नमस्कार, मैं पंकज सक्सेना, इंडिया स्पीक में आप सभी का करता हूं स्वागत। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। बरेली के ताजा मामला नवाबगंज के कयोलरिया का है, जहां मानवता को शर्मसार करने की घटना सामने आ रही है। कस्बे में गरीब परिवार की गर्भवती महिला को सरकारी अस्पताल के बाहर सड़क पर बच्चा जन्ना पड़ा। थाने के दरोगा श्री तिलकराम वारा नाराजगी जताने पर किया एडमिट। कयोलरिया के जगतपुर निवासी लालाराम की पत्नी सावित्री को मंगलवार की रात प्रसव पीड़ा हुई थी। वह गांव की आशा वकर के साथ अपनी पत्नी को एम्बुलेंस से देर रात कयोलरिया CHC लेकर पहुंचा। लालाराम ने दर्द से तड़पती पत्नी को अस्पताल में भर्ती करने को कहा। उसकी लाख मिन्नतों के बाद भी बेरहम महिला स्टाफ नर्स ने रिश्वत नहीं देने के चलते दुत्कार कर अस्पताल से भगा दिया। बेचारा गरीब अपनी पत्नी को दर्द से कराहते देखकर जेब में रखे 600 रुपये देकर पत्नी की डिलीवरी की मिन्नतें करता रहा, लेकिन स्टाफ नर्स ने एक नहीं सुनी और महिला और उसके पति को अस्पताल से भगाते हुए अपना कमरा बंद कर लिया। बेचारा गरीब लालाराम फिर हिम्मत कर अपनी पत्नी को वहां से किसी तरह डिलीवरी कराने प्राइवेट अस्पताल ले जाने लगा, लेकिन असहनीय दर्द सह रही महिला जब गेट पर पहुंची तो उसने वहीं पर एक बच्चे को जन्म दे दिया। बेचारा लालाराम अस्पताल गेट पर ही गिरी अपनी पत्नी की हालत और बच्चे को जमीन पर पड़ा देखकर रात में ही थाने दौड़कर पहुंचा, जिस पर थाने के दरोगा तिलकराम वारा मानवता दिखाते हुए त्वरित थेन के जवानों को अस्पताल भेज पुलिस वारा हस्तक्षेप करने के बाद पीड़ित को भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने नस की करतूत पर जमकर फटकार लगाई है। देर रात 4 बजे घटी इस घटना की जानकारी होते ही लोगों में काफी नाराजगी है। नस से बोला, पति 600 रुपये ले लो और करा दो मेरी पत्नी की डिलीवरी। महिला के पति ने बताया कि वह रात में 2 बजे अपनी पत्नी को प्रसव कराने को कयोलरिया CHC आया था। मैंने जब दर्द से कराहती अपनी पत्नी को एडमिट करने की गुहार स्टाफ नर्स से लगाई तो नर्स ने कहा कि पहले 5000 रुपये लेकर आओ, तब तुम्हारी पत्नी को एडमिट कर डिलीवरी कराई जाएगी। वह स्टाफ नर्स को 600 रुपये देकर काफी मिन्नतें करते रहे, लेकिन नर्स नहीं पसीजी और उसने कहा कि चुपचाप अस्पताल से अपनी पत्नी को कहीं भी ले जाओ, अगर तुम्हारे पास रुपये नहीं है तो अस्पताल में एडमिट नहीं किया जाएगा। जिला बरेली, तहसील नवाबगंज से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट।